कल तो करवा रहे थे बड़ा। कल क्यों नहीं गए थे? तो कल मन नहीं था ना, जब मेरा मूड ऑफ होता तुम्हें अच्छे से पता है, जब मेरा मूड। आज मेरा मन नहीं। तो गाइस आज पहली बार मैं अपने पति से ऊपर होके जोमेटो से चाय ऑर्डर करूंगी और चाय मैं लेके आऊंगा। अरे दोनों दो ना फिर, ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है यार, मेरे हिस्से में दो आने चाहिए। तुम्हारे हिस्से में तो मैं भी आ गया। हाँ तुम तो खाने की चीज दो आने चाहिए। कहना ये चाहती हूँ, अगर चलो यहाँ पे तो मैरिड हस्बैंड बोल दिया उसने, तो अगर इतना स्मार्ट लड़का अगर कोई और होता जो अनमैरिड होता, एक की जगह चार पांच होते, तो फिर वो उन सबके साथ। तुम पागल हो गया ये। दो अनजाने अजनबी। वेलकम बैक टू माई चैनल, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो गाइस ठंड हो चुकी है, हुडी वुडी पहनना मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मन कर रहा है मेरा सूप पीने का। इनको मैंने ओट्स बना के दे दिया और ये पड़े हैं ऐसे खाली, ले जाओ इसको। दोबारा बोलना, इसको ले जाओ। क्यों? Because I'm very much busy. अच्छा, और ये देखो गाइस हमेशा खुला रखते हैं अपना, पता नहीं क्या महक अच्छी लगती है क्या। सूपी ना, जब तुम्हारे साथ टाइम गुजार सकता हूँ तो वो क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं बराबर। क्योंकि यार उसके साथ टाइम इस वजह से अब तो पॉइंट मार दिया मैंने। मैं बताती हूँ, उसके साथ टाइम मतलब इस वजह से गुजार लेते हैं क्योंकि छोड़ो मेरे को, मैं बात भूल गई। बता दो मेरे ब्लास्टों की कहानी, बता दो वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो, छोड़ो। देखो अपने मुंह खुद ही बता दी अपनी हकीकत, अभी नहीं ले रहे ना वो चीजें जिससे। हाँ तो मैं बची हुई हूँ गाइस अभी, तो मेरे को लगता है जैसे जैसे ठंड आएगी हमारे कंबल भी अलग हो जाएंगे। ये ना बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा दे, इतनी गैस छोड़ते हैं। नो तुम्हारा चेहरा बहुत बड़ा सा आ रहा है। कहना क्या चाह रहे हो, मैं मोटी हो गई हूँ? ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों मोटी होगी ये भी बता दो। ब्लॉग एडिट में ही करता हूँ। हाँ तो फिर चलो चलो निकलो, बहुत देर होगी। चलो मैं सूप पी, चलना है मार्केट। हाँ बताओ जो आज मेरे को कुछ खिलाओगे? आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा 10 थप्पड़। खाओगी? तुमने कल बोला था गाइस, कल ना मेरा ना पता नहीं इमोशनली ना मूड सा हो। ज़ूम कर रखा है, पहले उसको सही तो कर लो यार। मेरे को नहीं आता ना करना, पकड़ोगे एक बार तुम? अब सही हो, पकड़ो एक बार। तो गाइस जैसे ना कल ना मेरा मूड सा ऑफ था वो कमेंट को लेके, और पता नहीं क्यों वैसे ही मैं स्ट्रेस सी थी, तो ये बड़ा इमोशनल हो गए। चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ बाहर, ले कुछ खिलाता हूँ। कल तो बड़े मेहरबान हो रहे थे, कुछ खिलाता हूँ कुछ खिलाता हूँ। पर जब मैं सैड होती हूँ ना, मूड ऑफ होता है मेरा, चाहे ना कुछ भी हो, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, बस स्ट्रेस बिल्कुल ऐसा है, अकेली रहूं, अंधेरे में रहूं, शांत रहूं। तो आज मेरा मन कर रहा है तो इनको भी पीनट बटर वगैरह लेके आना है, और बहुत सारे किचन के सामान है जो ख़त्म हो गया वो लेके आना है। तो आज खाते हैं कुछ बाहर, खिलाओगे ना? पहले मैं सूप पी लेती हूँ, फिर सूप पी के चलते हैं। तो गाइस ये है मेरा सूप, और मेरे को सर्दियों में सूप पीना बहुत ही अच्छा लगता है, और इनको चिढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। नौटंकी, नौटंकी एक्टर हीरो, कैसे सो रहे हो तुम? सो गाइस सूप पी लेता हूँ, और उसके बाद मेरी मनी हाइस्ट का सेकंड सीजन चल रहा है तो वो देख लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम मार्केट चलते हैं। आज मेरे को कुछ खिलाएंगे ये। अच्छा मैं जब कैमरा अपनी तरफ कर रही हूँ तब इनकी आँख खुल जाती हैं और वैसे एक्टिंग कर रहे हैं। हंस गया आपने। बच्चों की तरह कर रहे हो तुम, गणी ना बड़ा बच्चों की तरह बड़ा कर रहे हो आजकल। तुम्हारे सामने तो बच्चा ही लगता हूँ, तुम लगती हो 35 की, मैं लगता हूँ 22 का। तो मतलब तुम कहना चाहते हैं रियल में तुम 35 के और मैं 22 की हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब बातों में ही लग गया ना गाइस। तो गाइस सूप पी लेते हैं, इनकी बकवास हमेशा ही चलती है जैसा कि आप सब देखते ही हो। और सूप पीने के बाद मैं इनको लेके चलती हूँ मार्केट, फिर हम आपसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। घूमत कर, अरे यार खा ले यार, खैर गुफ्तगू करते हैं। तुम ना
वही बातें करोगे। इनको रख दो, देख लो इसके, देख लो प्रेस भी रख रखे, और ये मेरे पैरों के लिए, पिंडियों के लिए, वो भी यहीं पे रख रखे। तो रोज आपको जरूरत पड़ती है, रोज जरूरत पड़ती है तो रोज रोज लेके आऊं वहां से। बड़ा करते हो तुम तो रोज। अभी बोल रहे थे मेरे पैर दबा दो। मेरी कोई सेवा नहीं करती तुम, पहली बात तो ये। अच्छा सेवा करने वाली ले आऊं? सैलरी पे बहुत सब मिलते हैं। अच्छा पर मंथ सैलरी पे रख लूंगी एक लड़का। मुझे लगा के हाँ कौन है वो? एक कुक भी आता है ना जो पूरा घर का काम। अरे एक लड़की का कमेंट भी आया था तुम्हारे ब्लॉग पे, ब्लॉग पे आया था पता नहीं शॉर्ट पे आया था कि दीदी मेरे को ले जाओ और मैं आपका सारा काम कर दूंगी, खाना भी बना दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी। हाँ कसम से कमेंट आया एक, देखना। नहीं मैन तूने बोल दिया उसी के लिए थैंक यू सो मच। नहीं क्यों ले आओ ना, क्या हो गया ले आओ। ठीक है भैया का भी कर देना थोड़ा। अच्छा तुम्हें दीदी मैं भैया कैसे? क्योंकि दीदी मेरे को सब बोलता है, कोई दीदी बोलता है कोई भैया बोलता है। हमेशा इसकी तो सोच बेकार, सोच बेकार है, नेगेटिव सोच, खुद नेगेटिव और मेरे को नेगेटिव सोच बोल रहे हैं गाइस। तो मैंने अपना सूप ही पी लेती हूँ, नहीं तो मेरे से लड़ जाएंगे, मैं लड़ जाऊंगी इनसे, मेरे को दर्द हो रहा है। और फिर हम, मेरे को आज सिंगापुरी चाउमीन खिलाओगे? घूसा लगेगा आज, मैं खाऊंगी ना, खाऊंगी मैं, कोई खर्चा नहीं। सॉरी कल तो करवा रहे थे बड़ा, कल कल क्यों नहीं गए थे? तो कल मन नहीं था ना, जब मेरा मूड ऑफ होता तुम्हें अच्छे से पता है, जब मेरा मूड, आज मेरा मन नहीं। तो गाइस आज पहली बार मैं अपने पति से ऊपर होके जोमेटो से चाहे ऑर्डर करूंगी और चाहे मैं लेके आऊंगी, तो मैं यही सामने से नीचे फेंक दूंगा। देखो अब देखो, मैं ना ये बात मैंने इसलिए बोली कि आप सबको पता लगे, मतलब सब सोचते होंगे आदत डाल दी तुमने मुझे, नहीं आप सबको पता लगे कि मतलब कि बहुत सोचते होंगे भाई मेरे इशारों पे चल, लड़की के इशारों पे चल रहा है, वाइफ के इशारों पे चल रहा है। देखो जोमेटो से ऑर्डर करने तक का भी हक नहीं है मेरा खुद से। हाँ जी हाँ, क्योंकि आदत डाल दी तुमने मुझे, क्या किसी आदत लग गया मेरे बगैर, अगर तुमने कुछ किया तो तुम गई, घूसा लेंगे उसी दिन। लो यार इसमें भी मेरी गलती है कि भाई मैंने अपने पति की इज्जत रखी कि भाई मैं अपने पति से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी और उनकी बिना परमिशन कुछ नहीं करूंगी, तो मैं सच में कुछ कर नहीं सकती। गाइस ये अपनी रील देख रहे हैं, देखो मेरी रील। अरे वो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ तो मैं ना पहले अपना सूप पी लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ गाइस। सो गाइस चलते हैं अब हम मार्केट। पहले तो सामान की बात कर लूँ, अगर पहले ही बोल देना कि कुछ खाने की तो इनका मुंह सड़ जाएगा। तो पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इनका पीनट बटर ख़त्म हो गया है, तो आज जैसे ओट्स खाई इन्होंने तो विदाउट पीनट बटर खाई, सो सैड। और मेरे को जैसे सूप लेना है, मैगी ख़त्म होगी है, आटा मैगी वो लेनी है, और क्या लेना है, घी वी भी लेना है, और यार कुकीज लेना, वही वाले वहाँ तो दूर पड़ जाएगा पर आप लेके आना, वो जो एक ही पाउच में दो आते थे जो बड़े टेस्टी कुकीज थे यार वो। अपनी खांसी तो ठीक कर लो पहले, कुकीज तो कुकीज से खांसी होती है यार। हाँ। पता नहीं कैसा पति है मेरा, खर्चे के नाम पे बहाने। हाँ सही कह रही हो, बहाने ढूंढूंगा शादी से पहले पतली बोल के। शादी से पहले पत्ती बोलते थे, शादी के होते ही मोटी बोल के अपनी औकात दिखाते। एक रील बना रहे थे हम, गाने का क्या नाम है, जात पात। नहीं गाने का नाम है 420 कुछ ऐसा करके हो गाने का नाम जो टाइटल। अरे आजकल ये गाना नहीं चला हुआ कि ट्रेंडिंग में कोई बिहारी लैंग्वेज में गाना है जात पात बे और पैसा कुछ, मीडिया भी बिकाऊ हो गई। हाँ, और ये नेता धर्म के ऊपर झंडे लहरा ऐसा कुछ है, कोई गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है तो सब उस पे फनी रील्स बना रहे हैं। तो इनके माइंड में पता नहीं क्या आया, मेरी भी बनवा दे और बोल रहे अपनी भी बना, तो इन्होंने मेरी भी बना। मैंने लिखा उस पे के YouTube की फर्स्ट पेमेंट आते ही वाइफ ने FD करवा के अपनी औकात दिखा दी। और अभी तक मेरी ना मतलब कि वहाँ से पेमेंट हो तो गई है पर अभी मेरे अकाउंट में नहीं आई, और पहले ही वाओ औकात दिखा, YouTube ने अपनी औकात दिखा दी, पेमेंट भेज गया अकाउंट में नहीं भेजी। YouTube बोलेगा ना, मेरे को ही बोल रहा है तुम्हें। हाँ तो YouTube मेरा हर ब्लॉग मिलियंस में पहुँचा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी झंड करूंगी, फिर मैं भी कैरी मिनाती बनूंगी फीमेल की, तुम्हें रोस्ट करूंगी। अभी अच्छा एक ना यार गाय वहाँ मिलेगी, तो यहाँ वापस आके डाल देंगे। ठीक है तो गाइज अभी
कूड़ा वूड़ा सा डाल के, गाय माए को खाना डाल के फिर हम चलते हैं शॉप पे, और हो सके तो बर्गर और पिज्जा दोनों खाएंगे, बाकी पता नहीं। वैसे जाना ना, सोचना वोचना नहीं है, चॉकलेट दिलाओगे? सोचना वोचना नहीं, चॉकलेट दिलाओगे? या तो चॉकलेट या बर्गर, कोई एक। हेल्दी होती है चॉकलेट खाना। ठीक है तो चॉकलेट ले, मैं ब्लॉग जब कट हो जाएगा ना तो मैं ना आपको ना चॉकलेट के बेनिफिट्स भी दिलवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो गाइस सामान लेने गए हैं वो, और मैक्सिमम यहाँ से लेते हैं कुछ भी, बर्फी वगैरह, घी वगैरह यहाँ का अच्छा होता है। तो इनको पता नहीं आजकल कौन सी डोडा बर्फी चली हुई है, चली क्या हुई है, पहले भी चलती होंगी, मैंने तो पहली बार नाम सुना डोडा बर्फी, जो घर पे डेली चाय के साथ पीते खाते हैं। तो वो बर्फी लेने गए हैं, एंड घी भी, मेरे को तो एक अच्छी लगती है बर्फी में काजू कतली। तो देखो साथ के साथ बर्फी ले ही आए तो मैं अच्छे लगते हैं मेरे को ये वाली, और मेरे को भी लगती है, जो वो भी ला दो। क्या काजू कतली लगती है तुम्हें अच्छी? चलो जी, कोई रेंज में नहीं है कोई 300-400 रुपए किलो वाली? मेरे को खानी नहीं है, तुम रहने दो, अभी ला रहा हूँ। घी नहीं लाए? घी तो ये कहाँ से मिलेगा? यहीं से लेके गए थे लास्ट। अरे यहाँ पे नहीं। अच्छा यहीं से लूँ? हाँ यहीं से ले लो। गाइस मेरा ना पिज्जा खाने का भी मन कर रहा है, पर ये मेरे को बर्गर बर्गर खिला रहे हैं। आपके लिए, आपको पता है पूरा स्ट्रिक्टली ना है तो ना है, बर्गर भी चलो तुम कह रही हो फोर्स करके तो खिलाना पड़ रहा है, नहीं तो ना है, सॉरी। चलो फिर 2-4 दिन बाद डोमिनोज का खिलाओगे? डोमिनोज का तो अच्छा होता है। जब तुम्हारे लिए मनाही है तो मैं तो बर्गर भी तुम्हें बहुत उस पे खिला रहा हूं। मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, जब ये जिम जाएंगे ना तब मुझे डोमिनोज से ऑर्डर करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। डोमिनोज भी पीछे से मुखबरी करते हैं मेरे लिए, अगर बता दिया ना तो मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। ले आए गाइस, ओह माय गॉड, ये मैं खाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए तो मना है। मेरे लिए पिज्जा ला रहे हो? अरे इतनी देर क्यों लगा दी? चलो ले लो तुम्हें, अबे फालतू। अरे दोनों दो ना फिर, ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं है यार, मेरे हिस्से में दो आने चाहिए। तुम्हारे हिस्से में तो मैं भी आ गया। हाँ तुम तो हो, खाने की चीज दो आने चाहिए। तो गाइस क्या बोल रहा था ना, खाने की क्या चीजें, हाँ दो आनी चाहिए ना। हाँ तो दो है, वो हाफ पीस दे। हाफ हाफ नहीं यार, दो ना चुप रहता। So guys, बर्गर खा लो और मैं भी खा लूंगा। देखो फास्ट फूड के मैटर में तो यार यस आई एम भूखी नीट, नो आई एम नॉट भूखी नीट, देख नहीं रहा चलो तुम्हारा। अरे देखो मैं बताती हूँ गाइस, मैंने जब बात अनी की आई ना तो मैं अपना फास्ट फूड भी अनी को शेयर कर सकती हूँ, बाकी मैं, मेरा मन नहीं करता शेयर करने का और किसी को, पर अनी को कर देती हूँ, अनी को तो प्यार से करती हूँ मैं। ओके, यस इट्स रियलिटी। तो गाइस मेरा बर्गर ठंडा हो रहा है तो और झूठ और सच बाद में बोलूंगी। तो बर्गर खा लेती हूँ, देखो कैसे खा रहे हो, लाल नाक हो रही है तुम्हारी, गोरे हो ना इसलिए शायद, और गोरे होने पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैंने कब कर दिया मेरी माँ, तो मैं खा लेती हूँ गाइस फिर बताऊंगी इनका कितना घमंड करते हैं। ठीक है। अरे लास्ट बाइट तो मेरे को दे दो, लास्ट बची है वो तो खाने दो अच्छे से। अरे यार दे दो, सारा खा गया मेरा यार, तुम्हारे लिए मना है यार, दे दो यार, मजा आ गया। चलो एक पिज्जा खिला दो, उसमें से एक बाइट दे दो। मैं क्या कह रहा था, घर पे चल के ना अपना डिनर करते हैं, मजा आ जाएगा। आप बनाओगे? अभी तो पत्नी को खुश कर दिया करो। मैं आज तुम्हारी वीडियो देख रहा था, वो वाली जो शादी के बिल्कुल 2-4 दिन बाद की, जिसमें तुम बोल रही हो माय हस्बैंड इज द मोस्ट हैंडसम, तो मैं उसमें तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे गाल कतई पिचके हुए थे, तुम्हारा चेहरा कतई सूखा हुआ था, हड्डी ये वाली हड्डी दिख रही थी। और आज एनीवे बंद कर देता हूँ वीडियो को, बाय। So, जैसे कि कल मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कमेंट का रिप्लाई करा, और आज बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए हैं तो मैं कमेंट्स के रिप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ फटाफट। फर्स्ट कमेंट है, क्या हो गया ये, फर्स्ट कमेंट है मन्ना, हेलो भैया भाभी, मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है,
मुझे आप दोनों बहुत पसंद है। मेरा नाम है सलमा सैयद और प्लीज आप वीडियो में मेरा नाम लीजिए। थैंक यू सलमा जी, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारे ब्लॉग्स देखते हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है पीयूष, दीदी मेरा नाम भी लिया करो ब्लॉग में, रेखा सीखा, रेखा सीखा, थैंक यू सो मच रेखा जी। एंड नेक्स्ट कमेंट है फिटनेस खजाना, दी प्लीज मेरा नाम लो ना प्लीज, मेरा नाम मनप्रीत है, थैंक यू सो मच मनप्रीत। शायद आपके एक और कमेंट आई थी मेरे मन की प्रीत, मनप्रीत थैंक यू सो मच मनप्रीत डियर। एंड नेक्स्ट कमेंट है मुनीरा, वो क्या है मुनीरा मुजीब, हेलो प्रीत मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ पाकिस्तान से, आपका और भैया का जूडिक साइन कौन सा है प्लीज बताइएगा। जोडियक, हाँ सॉरी जूडिक सुना, जोडियक साइन क्या है प्लीज बताइएगा। आपके ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, प्लीज मेरा कमेंट का रिप्लाई जरूर दीजिएगा सिस्टर, सो थैंक यू सो मच डियर। पाकिस्तान से भी हमें बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट देख चुकी हूँ मैं कि हम पाकिस्तान से हैं और हमें है अपना साइन नहीं पता यार क्योंकि हम इस चीज में भरोसा नहीं रखते। हाँ भरोसा नहीं रखते, और अपनी किस्मत पे और अपने थॉट्स पे भरोसा हो तो यार सब चीज़ पे भरोसा होता है, पर इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है, सो पता भी नहीं है इसलिए इन सब चीज़ों की जानकारी भी नहीं है। इस चीज़ पे भरोसा रखते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो ऑलरेडी लिख चुकी है, हमें कहाँ जाना है कैसे जाना है हर चीज़ लिख चुकी है, बट हाँ उस लाइफ में जाने के जो रास्ता है वो हमें खुद डिसाइड करना है, रास्ता तय करते हैं वो कितनी खुशी से और कितने दुख से काटेंगे वो हमारे कर्म काटेंगे, वो हम डिसाइड नहीं करते, हम डिसाइड आपने तो बताया हम डिसाइड करते हैं, अगर अच्छे कर्म तो खुशी मिलेगी और बेकार कर्म तो दुख मिलेंगे। नेक्स्ट कमेंट है इस्लामी बातें, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, कुछ मैरिज रिलेशन टिप हस्बैंड हमारा झगड़ा नहीं होता, तो गाइस झगड़ा तो हमारा फुल होता है वो ज्यादा होता अभी है। हो गया झगड़ा, एक लड़की ने कमेंट करा अभी मैं दिखा रहा था, वो कह रही थी हमारी डांस वाली वीडियो थी तो मैंने कहा प्रीत देखो कैसे कमेंट करा है, तो उसने कमेंट कर रखा था कि अगर मैं होती तो लड़के से भी ज्यादा रोमांटिक होती, लड़की से ज्यादा रोमांटिक नहीं उसने अगर बोला, ये मेरा हस्बैंड होता तो हाँ तो उससे भी ज्यादा, मतलब जैसे मैंने तुम्हें बोरिंग लिख रखा है अपने आप को रोमांटिक लिख रखा है तो वो कहना ही चाहती थी। तो मैं कहना कमेंट में चाहूं मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना ये चाहती हूँ अगर चलो यहाँ पे तो मैरिड हस्बैंड बोल दिया उसने, तो अगर इतना स्मार्ट लड़का अगर कोई और होता जो अनमैरिड होता एक की जगह चार पांच होते तो फिर वो उन सबके साथ तुम पागल हो गया, मतलब यार कैरेक्टर होना चाहिए कि भाई यार किसी लड़के की तारीफ कर रहे हो ना मैरिड हो तो उसको ऐसा हाँ तो गुस्सा नहीं होना चाहिए कोई लड़की किस के लिए मैं गुस्सा होगी। और पता क्या अगर कोई हस्बैंड है कोई मैरिड है अच्छा है अच्छा डांस कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये नहीं कि अगर मैं होती तो मैं ये करती, मैं होती तो मैं ये करती, सॉरी नॉट अलाउड, ओके शांत मेरे शेर शांत। नेक्स्ट कमेंट है आप कौन सा फिल्टर लगाते हो हमें भी बता दो प्लीज। अनीश भाई मेरा लड़का जिम जाना चाहता है और उसकी उम्र 14 साल की है, अब बताओ भेजूं या नहीं, तो फिल्टर हम वीएन में अपना ब्लॉग एडिट करते हैं और जिम जाने का इनसे पूछो, 14 साल का है तो अभी जिम मत भेजो, भेज सकते हो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वाइट का कोई इशू नहीं आता है, बट अभी उसका बचपन चल रहा है तो उसको अच्छे से जीने दो बाद में भेज देना। हाँ और मैं नाम लेना तो भूल गई इनका, इनका नाम है गीता सोलंकी। तो नेक्स्ट है मुनीरा मुजीब, हेलो प्रीत मैं आपकी न्यू सब्सक्राइब, हाँ ये तो पढ़ लिया मैंने सो। एंड नेक्स्ट कमेंट है कहाँ गए कमेंट सॉरी, दी प्लीज मेरा नाम भी लो ना, मैं लास्ट 3 ब्लॉग से कह रही हूँ मेरा नाम मनप्रीत है प्लीज, ओ सॉरी मैंने अभी पढ़ा था आपका मनप्रीत, सो मैंने ये भी कमेंट देखा था बहुत सारे कमेंट, क्योंकि ना 2 दिन से मैं लगातार कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पा रही तो इस वजह से ना बहुत सारे कमेंट रिपीट हो रही है,
तो नेक्स्ट कमेंट है सादिया सैयद, प्लीज प्रीत भाभी मेरा नाम ले लिए व्लॉग में और मैं मुझे बहुत बहुत क्यूट लगती हूँ, मुझे आपकी वॉइस भी बहुत क्यूट लगती है, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग का वेट करती हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच सादिया। एंड नेक्स्ट है और ये क्या भाभी, अगली वीडियो में मेरा भी नाम लेना, सावित्री गाँव बीजपुरी, अच्छा गाँव का भी नाम ले रखा है इन्होंने, सावित्री गाँव बीजपुरी, बहुत अच्छे हो आप दोनों, थैंक यू सो मच सावित्री जी। नेक्स्ट कमेंट है वंदना दुबे, बहुत अच्छे लगते हो आप दोनों लोगों के शॉर्ट्स, आप दोनों लोगों के शॉर्ट्स वीडियो मैं बहुत देखती हूँ। अच्छा मुझे लगा कि मेरे शॉर्ट की बात होगी यहाँ पे, आप दोनों के बोला, अरे मैं कच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं कच्चे पहनता हूँ। मेरा नाम लेना ब्लॉग में कल वाले में, सो थैंक यू सो मच वंदना जी। और बाकी कमेंट्स है यार क्या बताऊं इन कमेंट्स, हेलो भाई ये है राजकोर, हेलो भाई एंड सिस्टर मेरा भी नाम लो ब्लॉग में, मुझे भी बहुत अच्छे लगेगा, मैं भी अब रोज आपकी वीडियो एंड ब्लॉग देख रही हूँ, आप हमेशा खुश रहो। मैं पटियाला से हूँ दी, आप कहाँ से हो, आज मैं दूसरी बार मैसेज किया है आपको, अगर कुछ गलत भूल गया हो तो मुझे माफ करना। सो डियर थैंक यू सो मच पहले तो इतना प्यार दिखाने के लिए, एंड हम हैं फरीदाबाद से। एंड नेक्स्ट कमेंट है, एक कमेंट देखो ये उन्होंने बोला नहीं पर मैं ये पढ़ना चाहूँगी, आपकी वीडियो देख के पॉजिटिव वाइब्स आती है एंड मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। मोटिवेट तो ये करते हैं समझ, आप सबको, हम सबको यही करते हैं मोटिवेट, ये हमारे सर है मोटिवेशनल स्पीकर। एंड ये क्या है भैया, हाँ हेलो भैया जी एंड भाभी जी, मेरे साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कल का व्लॉग था जो इतनी लॉन्ग एक ही वीडियो बनी थी उस टाइप की बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि जो कुछ है मेरी मम्मी है हर बार कि मुझे झुकना पड़ता है, बार बार नहीं झुकती हूँ हर गलती के लिए, अगर घर वाले सब बुरा भला बोलते हैं तो भाभी जी मुझे भी बताइए मैं आगे क्या करूँ, और भाभी जी मैं लव मैरिज की थी तो मेरे घर वाले कोई मेरे से नहीं बोलता है और ना ही मिलता है, भाभी जी कमेंट में जरूर बताना, मुस्कान। अच्छा मतलब कि आपने लव मैरिज करी थी, जो आपके घर वाले हैं वो भी आपसे नहीं मिलते हैं ये कह रहे हैं, तो यार आप तो मतलब एक तरीके से दूसरी तरफ जा नहीं सकते और उस तरफ मतलब तो आपको रहा नहीं जाना, एक तरफ हुआ एक तरफ आई। देखो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ट्राई यही है, मैं तुम्हें लड़के की तरफ से बताता हूँ, बेसिकली वो सही कह रहा है कि जो भी कुछ है मेरी माँ ही है, कहने का मतलब उसका ये है कि बस मेरी माँ की रेस्पेक्ट करो, बट वो क्या है ना वो चीज नहीं देखना चाह रहा कि जो आपके साथ थोड़ी सी इफ इन केस अगर आपके साथ गलत हो रही है तो वो उस चीज को देखना नहीं चाह रहा, तो कहीं ना कहीं बताओ मैं इस चीज को क्या बोलता हूँ, ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और क्योंकि आपने लव मैरिज करी है यार, मैं लव मैरिज केस में ऐसा ही बोलूंगा, आपने डिसाइड करा है और आपको ही रहना पड़ेगा, लड़के ने ऑलरेडी बोल रखा है कि मैं मेरी लाइफ ये है मेरी माँ सब कुछ है, तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि शादी के बाद कुछ अलग लाइफ जीने की डिमांड करने लग जाओ तुम, या फिर कुछ और बोलने लग जाओ कि मतलब कि मेरे को तो इस तरीके से नहीं सुनना ऐसे नहीं रहना, तो वहां पे उसने एक चीज है क्लियर कर रखी है, बट इफ इन केस आपको ये लग रहा है कि मतलब कि हर बार आपको ही झुकना पड़ रहा है, तो अगर आपने लव मैरिज का डिसीजन लिया, इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और अगर आपको लड़के को समझाने की हिम्मत नहीं है ना आप में, तो फिर मेरे हिसाब से आपने लव मैरिज नहीं करी, क्योंकि लव मैरिज का सबसे पहला मतलब होता है कि सारी चीजें खुद हैंडल करना, क्या आप खुद हैंडल कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जब आपने लव मैरिज करी है ना तो लव मैरिज को निभाना सीखो, और दूसरा ये भी यहाँ पे ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब लव मैरिज होती है तो लड़की ज्यादातर घरों में क्या होता है कि लड़की सिर्फ इस तरीके से रहती है कि मतलब कि मैं अपने पति के साथ बढ़िया तरीके से रहूं बाकी तो सब देख ही लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि लड़के की सोच दूसरी तरफ पे ये होती है कि मैं अपनी वाइफ को इतना ज्यादा तब प्यार करूंगा जब लड़की मेरे घर वालों से प्यार करेगी, तो आप उसकी इस कंडीशन को समझो कि लड़का अगर चाह रहा है कि आप उसकी माँ से ज्यादा प्यार करो
तो करो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर माँ आपके साथ गलत है, देखो वो तो फिर है ही यार, सीधी सी बात है, आप उनको नहीं समझा सकते राइट, क्योंकि उन्होंने भी एक पूरी जिंदगी जी है, उनके लिए वही चीज हकीकत बन गई है। तो आप अपनी लाइफ थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के लड़के को थोड़ा समझाने की कोशिश करो, और हाँ जो भी चीज अगर आपको झुकना पड़ रहा है तो यार थोड़ा सा झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। So guys, इसी के साथ, क्योंकि आपकी लव मैरिज है इसलिए आपके लिए जवाब, और लव मैरिज में मायके को इंटरफेयर करना तो बनता नहीं, क्योंकि हमारा खुद का डिसीजन होता है लव मैरिज का। और मोस्टली केसेस में यही होता है कि लड़कियां फोर्स करती है पहले घर वालों को मनाने के लिए कि प्लीज उससे शादी करवा दो, उससे शादी करवा दो। और कुछ जैसे थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो गया उसमें अगर लड़की मनाती है तो बाद में अगर कोई लड़की पे प्रॉब्लम आती है तो वो लड़की को ही दोष देते कि तूने तो अपनी मर्जी से करी थी ना, अब तू ही चेंज, तो वहाँ पे तो बताने का कोई फायदा भी नहीं बनता। तो आप ही समझ सकते हो, और अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करो और बॉन्डिंग बना के रखो, मैं तो यही सलाह दूंगी। एंड गाइज कमेंट्स मोस्टली शायद सारी कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया, इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, एंड डिनर कर लेते हैं, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ। टीवी चला लो मैं, हाँ अभी इसको भी बंद करें।